गाइस प्रॉब्लम नंबर 22 की तरफ चल लेते हैं और कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है प्रिज्म के लिए। सवाल ये है, आपसे कह रहा है ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म व्हेन विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच में आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है और आपको ये बताना है कब डेविएशन मिनिमम होगा एंड वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मिनिमम डेविएशन। दो बार बोर्ड में आ चुका है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता। देखो आपके सामने ग्राफ तो था ही, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन और ये होता है इंसिडेंट एंगल। अगर आप कुछ इंसिडेंट, अब देखो मैं आपको प्रिज्म के अंदर भी दिखा देता हूँ, लेट अस सपोज कि ये प्रिज्म है तो ये होता है नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल है इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है, और ये होता है रिफ्रैक्टेड एंगल और यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिएगा और ये जो एंगल होता है ये होता है अगेन रिफ्रैक्टेड एंगल और ये होता है इंसिडेंट एंगल। ये ओरिजिनल लाइट फाइनल लाइट से जिस एंगल पर निकल कर गई है ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा, जब ये इंसिडेंट एंगल बहुत कम होता है तो किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं पाया जाता, जब आप इंसिडेंट एंगल को थोड़ा बढ़ा देते हो तब डेविएशन बहुत ज़्यादा आता है। ये एक प्रैक्टिकल है पूरा प्रॉपर तरीके से, और इंसिडेंट एंगल को जैसे जैसे बढ़ाते चले जाते हो वैसे वैसे डेविएशन घटता। इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते चले जाओगे डेविएशन क्या होगा, घटता चला जाएगा घटता चला जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी इंसिडेंट एंगल की, वो वैल्यू जिस पर डेविएशन सबसे कम होता है वो कहलाता है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। तो वो पॉइंट यहाँ पर होता है बिल्कुल लोएस्ट जगह पर। इसके बाद अगर आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाओगे तो वापस से डेविएशन बढ़ना शुरू कर देगा कुछ इस तरीके से। तो ये ग्राफ आई और डेल्टा के बीच है, जब मिनिमम डेविएशन हो रहा होता है तब ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है प्रिज्म के अंदर ये बिल्कुल बेस के पैरेलल हो जाती है, इस तरीके से बेस के पैरेलल हो जाती है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो अब इसको ओरिजिनल ग्राफ की तरफ को आ जाइएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। द ग्राफ बिटवीन द इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज शोन इन द फिगर व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट। देखो ये वाली बात भी थी, जब इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इमर्जेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं, देखो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस इट मीन्स when the रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द prism becomes parallel टू द बेस ऑफ द prism, उस कंडीशन में जो डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है। मतलब एक तरह से इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये भी इसका एक सिग्निफिकेंस है। अच्छा है एक बार नज़र मार लो कभी ना कहीं, और कभी ना कभी आपका ये क्वेश्चन काम में आ सकता है। थैंक यू।